नहीं दबाना था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिनिश नाम और हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बासित खान और आप देख रहे हैं पाक रिएक्शन। हम लोग वीडियो कौन सी देखने वाले हैं? वीडियो हम देखे हैं आशीष चंचलानी की ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग। परेशान किया है, अपनी चाय में जहर मिला दूंगा और फिर इन बच्चों को पिला दूंगा, साले मर जाएंगे, मैं जेल चले जाऊंगा, इन सबसे छुटकारा मिलेगा। ये तो वही वीडियो है। अरे बस कर, हाथ में आ जाएगा। अभी तक तो सिर्फ 3 इंच घुसाया है, बाकी का 1 सेंटीमीटर चलेगा सर, घुस गया। अबे ओ राधे के आधे, मैं और सहन नहीं करने वाला हूँ, समझा? पेंसिल तो मैंने शार्पनर में घुसाई थी, दर्द आपको क्यों हो रहा है? अबे आज पेरेंट टीचर मीटिंग है। चलो ठीक है, बुलाओ अपने पेरेंट्स को। स्टूडेंट मैं हूँ कि तू? देखो सर, ये डाउट आप अभी क्लियर कर दो, आपके मम्मी पापा के सामने ना फिर के इंट्रोड्यूस करने में इजी होगा, कौन स्टूडेंट है कौन टीचर है। तेरा बाप किधर, लेट क्यों हो गया है वो? वो पापा जूते पहन रहे। जूते पहन रहे ऑनलाइन मीटिंग के लिए? हाँ, लेट हो गए इसलिए रनिंग शूज पहन के भाग के आ रहे। यार ये मीटिंग कब खत्म होगी, मैं पागल हो जाऊंगा इसके साथ। ठीक है तो मैं जाता हूँ। चुप, बैठ उधर। हाँ तो बैठ ही रहो ना, चिल्ला क्यों रहे हो? ओह नो सर, सर मैं इसको चिल्ला रहा था, आपको नहीं, आपकी मनुष्य वाला। आप बैठिए सर, बैठिए। ओ सरक, दो लोग की सीट पे अकेला बैठेगा। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। आपकी महान औलाद की करतूतों की वजह से भारत के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन, शायद आखिरी भी हो, इतना महान है आपका बच्चा। शाबाश, शाबाश। अरे शाबाशी क्या दे रहे हैं आप, पीठ पे नहीं गाल पे शाबाशी दो। अच्छा शाबाश। कितना बोला है आदमी, पता नहीं संत ने राक्षस को कहां से पैदा कर दिया। सर मैं आपको क्या बताऊं, आपका बेटा क्या करता है, ये और इसका फ्रेंड रोहित प्रेजेंट सर, और इसका दूसरा दोस्त अनमोल प्रेजेंट सर। देखा आपने, नाम लेता हूं नहीं कि पहले प्रेजेंट होता है। अबे ये पेरेंट टीचर मीटिंग है, इसमें तो प्रॉक्सी मत मार। आधा टाइम तो ये प्रॉक्सी मारते और गलती से कभी हमारे लेक्चर में आ भी गए तो आपको पता है क्या करते। अच्छा सुनो, अभी अटेंडेंस ले रहा हूं और म्यूट करके प्रेजेंट मत बोलना नालायको। रितेश प्रेजेंट सर। पारस प्रेजेंट सर। ग्रीष्म प्रेजेंट सर। लौड़ा लसन। लौड़ा लसन ये भी कोई नाम है? अरे सर आपने उस दिन चश्मा नहीं पहना था, आपने ठीक से पढ़ा नहीं, वो लौड़ा लसन नहीं कड़वा जशन था सर। कड़वा जशन, ये कैसा नाम है, अब बढ़वा तो रख नहीं सकते। चुप बदतमीज। सर बदतमीजी ना हो इसलिए तो कड़वा नाम रखा। देख रहे हो ये कैसे बात करता है। सर की जबान ना बहुत कड़वी है। चुप, मुझे गाली देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बेटे मुंह पे कोई देते गाली ऐसे? सॉरी पापा, मन में थे। ओके पापा। और तो सुनिए, और उस दिन जब अटेंडेंस हो गया उसके बाद तो इनकी अलग ही नौटंकी चल रही थी। तुम लोग सब के सब एक ही असाइनमेंट भेजते हो, जब भी डाउनलोड करने रखता हूँ रिप्लेस का ऑप्शन आता है। कम से कम असाइनमेंट रीनेम तो कर लो नालायको, इतनी तो मेहनत कर लो जिंदगी में। और उस दिन मैंने जो तुम लोग को एक टॉपिक दिया था, अब ये थानोस कौन है, कौन है ये थानोस? आशीष ये क्या पागलपन है। सर, I don't feel so good, sir. अरे कहाँ गए? पूरा टाइम क्लास में चुटकी बजाते रहता है। अरे ये तो थानोस का भी बाप है, वो चुटकी बजाता था तो आधे लोग गायब होते थे, ये चुटकी बजाता है तो सब मास बंद करके निकल जाते हैं। क्यों रे, क्यों बजाता है इतनी चुटकी? क्यों बजाता है इतनी चुटकी, छोटा भीम है तू। जब बाप ये पांडू तो क्या करेगा कंग? नारामियों के साथ मेरी जबान भी गंदी हो गई है। और सुनो इसके कारनामे बताता हूं, आपका ये जो महान साइंटिस्ट बेटा जब भी लेक्चर में आता है कभी इसका वीडियो चालू होता है तो ऑडियो चालू नहीं होता, ऑडियो चालू होता है तो वीडियो चालू नहीं होता, जब दोनों चालू रहते तो इसके सर से खून निकलता है। सर से खून? हाँ, और मैं से पूछता हूँ खून क्यों निकल रहा है तो बोलते हैं सर सामने वाले ने पत्थर फेंक के मारा। मैं पूछता हूँ पत्थर क्यों फेंक के मारा, बोलते मैं लैपटॉप चोरी करके लाना। क्यों रे, लैपटॉप क्यों चोरी करके लाता है तू? सर पड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तेरा बढ़के और बढ़के फायदा भी क्या? हाँ सर, आपका ये बेटा लेक्चर में काम वाली बाई को मास्क पहना के बैठा था और खुद पीछे सोया रहता है।
सर पढ़ने के लिए यूनिफॉर्म की नहीं सिर्फ मार्क्स की जरूरत है। वाह मेरे चौथे इडियट। अबे ओ मिलीमीटर सेंटीमीटर इसकी वजह से वो काम वाली भाई मेरे घर पे लेट आती है और से पूछता हूँ कि लेट क्यों हुई है तो बोलती है पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। तू नहीं पढ़ेगा तो भी पढ़ेगा इंडिया। आपको इसका एक और किस्सा सुनाता हूँ मैं। नहीं सर प्लीज सर वो बात मत बताओ सर। द फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर डज नॉट सेटिस्फाई योर थर्स्ट एज मच एज द फर्स्ट ग्लास डज। सर सर कैन आई ड्रिंक वाटर। अरे पीना भाई तेरे को जितना पानी पीना है पी हम लोग क्लास में थोड़ी है। थैंक यू सर। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। अरे शांत हो जाओ सब ये क्या पागलपन चल रहा है मेरे क्लास में। अरे ओ आशीष बस करना। सॉरी सर सॉरी सर। पढ़ते हैं अभी अगले टॉपिक पे। ये अरे हंसना बंद करो कैसे बेशरम लोगों। आपको पता है ये पूरा दिन लेक्चर में कुत्तियां और चिल्लरों की बातें करते रहते हैं। अरे सर कुत्तियां और चिल्लर नहीं डॉज कॉइन की बातें कर रहे थे हम। डॉज कॉइन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी सर। ये भाई कौन सी करेंसी आ रही है फिर से नोट चेंज हो रहा है नया नोट काला। अरे नहीं पापा वो करेंसी की बात नहीं करो। आजकल ना मार्केट में नई करेंसी है ये क्रिप्टो करेंसी। इसका जो भाव है ना ऊपर नीचे होता रहता है और इसके लिए आपको एक बेस्ट ऐप बता रहा हूँ कॉइन डीसीएक्स गो। अगर आपको ये क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट है ना कॉइन डीसीएक्स गो पे आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन एथेरियम खरीद या बेच सकते हो। इसमें जो सारे फंड्स है देयर इंश्योर्ड बाय बिटको। और आपको बेस्ट बात बताता हूँ आप डाउनलोड करो कूपन कोड लगाओ आशीष 100 आपको 100 रुपए का बिटकॉइन फ्री देंगे। हाँ बेटा मैंने भी सुना है बिटकॉइन का दाम और तेरी कॉलेज में इज्जत दोनों काफी गिरी हुई है। आएगा सर ऊपर आएगा जैसे आपकी और मिनाली मैन की चैट के ऊपर आई थी ना वैसे ही। ओह नो सर सर मैं आपको क्या बताऊं इसकी बातें। एक तो लेक्चर में आते नहीं है ऊपर से आते तो इंटरनेट बंद का बहाना देते। उस दिन तो उन्होंने हर लिमिट क्रॉस कर दी साला मेरे बेटे को घूस देके मेरे घर की इंटरनेट की वायर कटवा दी इन हरामियों ने। तो सर इसमें गलती आपके बच्चे की हुई ना काबू में रखो उसको। मैं तो उसको 500 रुपए देने को तैयार था 500 रुपए की आइसक्रीम में मान गया आपका लड़का। सर थोड़ा खिलाओ पिलाओ अपने बच्चे को पैसा वैसा दिखाओ अपना बहुत भूखा बच्चा है आपका। कल को इसको फैमिली पैक देगा क्या तो पूरी फैमिली को पैक कर देगा आपका लड़का। अरे इसलिए कहता हूँ सावधान रहे सतर्क रहे। सतर्क तो रहना पड़ेगा आपके बच्चों से। अरे ये लोग ऐसे हरामी है। उस दिन मैं लेक्चर दे रहा था मेरी बीवी ने बीच लेक्चर में चिल्लाया सुनो जी शीला जी आ रही है। इन हरामियों को सुनाई दिया शीला जी आ रही है सर के घर पे शीला जी आ रही है। ये क्लिप पूरे कॉलेज में वायरल कर देगी सर के घर पे शीला जी आ रही है। शीला जी कौन है। अरे पापा इट इज नायग्रा बट विद अ वी लाइक नायग्रा फॉल्स बट दिस डज नॉट फॉल्स दिस ओनली टॉल्स फुल टॉल्स। अरे पापा ये लेने के बाद 6 सेकंड 6 घंटों में बदल जाते ब्रूस बैनर हल्क बन जाता है। ये लेने के बाद अपन ड्रिल करेंगे फिर चिल करेंगे इसके बाद मिथुन दा ग्रैंड सल्यूट देते। अरे पापा ये लेने के बाद ऐसे उल्टे लेट जाओगे ना तो ऐसा पंखे की तरह घूमना के। अरे ओ बस कर और कितने एग्जांपल देगा। हो गया समझ गए भाई पहली बार देखा बेटा बाप को गुप्त ज्ञान दे रहा है। अरे ज्ञान आपको देना चाहिए अपने लड़के को इसे सिखाओ कि दूसरों की जिंदगी में दखल नहीं करते। उस दिन मैंने अपनी व्हाट्सएप पे डीपी रखी थी अपनी नई कार के साथ साला मेरे घर के बाहर लाइन लग गई कार देखने के लिए। ये तो अच्छी बात है ना। अरे क्या अच्छी बात है इन हरामियों ने मेरी 6 लाख की कार 30,000 में बेचने को रख दी ओएलएक्स पे वो फोटो यूज करके। मैंने गाड़ी नहीं बेची तो वो लोग कितना भड़क गए मालूम है। एक आदमी तो गुस्से में मेरी कार का दरवाजा लेके भाग गया। एक आदमी स्टीयरिंग लेके आज तक मैं गोला बना रहे। एक आदमी इंजन लेके भाग गया गन्ने का जूस निकाल रहे। अरे एक आदमी को तो मैंने उस दिन वाइपर से अपनी पीठ खुजाते देखी। ऐसे हरामी लोग रहते हमारे मोहल्ले में क्या बताऊं मैं आपको। 5 लोग तो गुस्से में मेरे 5 के 5 टायर लेके चले गए। अभी ये कौन सा विमान है जिसमें 5 टायर है। अरे स्टेफनी भी तो लेके गए। जैक तो पड़ा होगा ना देना। अरे कैसे हो आप। मैं मस्त हूं आप बताओ। आपके पेरेंट्स किधर हैं। मुझे लगता है आपके साथ अलग एक पेरेंट टीचर मीटिंग करनी चाहिए मुझे। सॉरी सर सॉरी सॉरी गलत बात है बेटा ऐसा नहीं डालना चाहिए ऑनलाइन किसी का। मेरे को बोलता मैं खरीदता ना इसके बेटे को 500 खर्ची भी देता गाड़िया के रोज साफ करता नहीं की नहीं लाइफ टाइम। अच्छी डील है वैसे बॉर्ड बैड। अरे आप उससे बात करने बैठे हो कि मेरे साथ बात करने बैठे हो। आपको एक नेम के साथ तो मैं पता नहीं भूल गया ऑनलाइन एग्जाम का। एग्जाम शुरू करने से पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। जिस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में तुम लोग एग्जाम दे रहे हो उसमें अगर तुम लोग क्रोम में टैब खोलोगे व्हाट्सएप पे पीडीएफ शेयर करोगे या किसी भी तरह की कॉपिंग करोगे मुझे सब पता चल जाएगा। तो अपनी कलाकारी यहाँ मत दिखाओ। और ये ऑनलाइन एग्जाम तो नालायक हो कम से कम मेरी नहीं तो अपनी इज्जत तो करो। थू है अगर तुम लोग इसमें भी कॉपी कर रहे हो। प्लीज चलो द एग्जाम।
सॉरी भाई, बोतल क्यों लग गया यार? बोतल क्यों भाई? ए मारा भाई, ओए ओए लगी है कोल मारा है ये तेरे को एक बोतल लोग सब एक ही जगह पे एग्जाम दे रहे हो, कैसे आरामी बच्चे हो? साथ में पड़ेगा इंडिया तभी तो साथ में बढ़ेगा इंडिया। तू वैक्सीन वाली बात बताओ, घोलू तेरे चिट्ठे? नहीं सर, वो नहीं, प्लीज सर प्लीज। सर दो हफ्ते पहले मैं वैक्सीन लगवाने गया, तो वैक्सीन लगवाने के बाद मैंने अपनी एक फोटो फेसबुक पे डाली थी। इन कुत्ती के बच्चों ने वो फोटो को लिया, मेरा फेस फोटोशॉप किया और हॉस्पिटल में एक आदमी के मुंह पे लगा दिया। और फिर फेसबुक पे मेरे नाम का फंडरेजर चला है, 1,00,000 रुपए जमा किए इन हरामियों ने मेरे नाम पे, 1,00,000। छी, देख सक्सटिंग। और पता नहीं किस मनोज बच्चे ने मेरा नंबर लीक कर दिया और ये बात फैला दी कि सर ऑनलाइन लेक्चर में सुपर चैट लेते। बीच लेक्चर में एक बच्चा 200 रुपए जीपे करके बोलते सर प्लीज टेक माय नेम, एक बच्चा 500 रुपया देके बोलते सर प्लीज मिनाली मैम आई लव यू, एक बच्चे ने तो हद पार कर दी, 2,000 रुपए बेच के बोलते सर प्लीज कैंसिल द लेक्चर, मतलब मेरा लेक्चर कैंसिल करने का रेट 2,000 रुपए। तो सर आप बताओ ना आपका रेट क्या है, जो रेट बोलोगे उसमें मान जाएंगे हम लोग। साला कोरोना की भी वैक्सीन आ गई, इलाज आ गया, तुम हरामियों का इलाज पता नहीं कब आएगा। हाँ तो क्या गलत कर रहे ये लोग, फंड रेज करके बीच के नाम पे तो लूट के बैठे उनको तुम लोग। कहाँ लूट रहे सर, अभी आप ये बातें क्यों ला रहे हो बीच में यार। अच्छा बेटा तेरा फीस का रिसिप्ट निकालो, सालो जिम खाने का 2,000, आराम करो ना, जिम पे बेचते हो ना खाना खिलाते हो, मैगजीन का 2,000, तो एक खेलते हुए लड़के की मैगजीन तुमने भेजी इसको? कौन से खेलते लड़के की मैगजीन भाई, प्लेबॉय। अच्छा बेटा मतलब तुमने मैगजीन का बिल भी हमारे नाम पे फाड़ा है। ए, इस मैगजीन में नंगे लड़के लड़कियां क्यों होती है? पता है हमारा सब्जेक्ट है आर्ट्स एंड क्राफ्ट का, इसमें क्या ऐसे कपड़े काटने रहते और जो भी नंगे पिक्चर्स है ना उस पे क्राफ्ट पैसे चिपकाने रहते, आर्ट्स एंड क्राफ्ट चिपकाना सही चिपकाया अपने पाप को। हाँ और सुन, एक है बस फीस, साले हॉल से संडास जाने का कौन सा बस लगता है बे? अरे सर वो बस फीस इसलिए लेते हैं क्योंकि बस के ड्राइवर्स को फीस देते हैं हम लॉकडाउन में, वेजेस नहीं काट रहे। सुजा इच्छी टांग, साले बस का फीस भरता है और जिसके ऑटो में स्कूल ट्यूशन कॉलेज गया है उसको पैसे नहीं देता है। बाप नहीं। पागल समझा मेरे को, ये तेरा बाप नहीं है? कौन बाप? बाप को ये तो ढूंढने आया हूँ मैं, 4 दिन से घुमा रहा है मुझे ये। मेरे को बोलता है इधर आके बैठो, अंकल के सामने 15 मिनट हाँ हाँ करना, डबल पैसे दूंगा। ये दाढ़ी पे पाउडर वाउडर लगा के बिठाया, घर तो पे मेरे पानी नहीं है, 4 दिन से नहाऊंगा किधर मैं? पैसा देता हूँ ना मैं चुप कर। ये बैटरी, ओह नो, मेरा चप्पल चप्पल मैंने बहुत सुना है बिना मतलब, अपने बेटे के लिए तो सुना नहीं है, मेरे बाप ने मेरे को सुना नहीं, तुमने सुना है? तेरी को तुम मिल रस्ते में ऑटो से उठाऊंगा, ऑटो से। और तू क्या, तेरा तो आज फर्नीचर उठा के जाएगा, तेरा टीवी उठा के जाएगा, बाद में आना मेरे घर पे टीवी लगाएगा अपने ऑटो में। अरे तू अभी जाया नहीं जाएगा, मैं टीवी लेके जाएगा। हे भगवान, कैसे कैसे बच्चे इस देश में, साला ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग में भी नकली बाप लाए। सर मेरे वो बाप को दौरे पड़ते रहते, पिछले जन्म में ऑटो वाला था तो कुछ बोलता रहता है सर। हाँ बेटा वाह, अभी मैं तेरे को मौज कराता हूँ, प्रिंसिपल सर को कॉल लगाता हूँ। नहीं नहीं सर प्लीज, आई एम सॉरी सर, नहीं नहीं नहीं, तेरे को दिखाता हूँ मैं कितना हेवी ड्राइवर हूँ। सुन रहे टकले, सर ये आशीष चंदला ने आपको टकला कह रहा है सर? कैसे हरामी बच्चे बोलते सर, ऊपर भी विकमेंट थे नीचे भी विकमेंट थे। आई एम सॉरी सर प्लीज सर, नहीं सर ये पेरेंट टीचर मीटिंग में नकली बाप लेके है। अरे नहीं सर, इसके 2 बाप नहीं एक ही बाप है सर, पेरेंट टीचर मीटिंग में पागल बना रहे हमको। सर सर क्या कर रहे सर? सोने का सला था हम लसरे वाजों की। पेरेंट टीचर मीटिंग आगे से बाप को भी कुछ नहीं पता बोले, लेकिन लास्ट को इतना शॉकिंग हो रहा है, मतलब नहीं पढ़ पाते बच्चे। कहाँ पढ़ते हैं, बस बैठे हुए नहीं पढ़ते। मैं एक वीडियो देख रही थी, दिखा रहा था वो पढ़ते पढ़ते एकदम से करते करते
और टीचर वीडियो बहुत इसका भी पीछे से कोई गुजर जाता है पीछे से गुजर जाता है टीचर बोलती है ये क्या ये तो पाउस पीछे से कैसे चल रहा है बहुत मतलब बैठे हो रहा था बहुत हां यार मतलब ऑनलाइन क्लासेस कैसे हो सकती हैं ये बताएं नहीं हो सकती एग्जाम सबसे बड़ी एग्जाम जो हो रहे हैं ऑनलाइन अभी देख ले आप लॉकडाउन लग गया कोरोना का चक्कर चला है हम लोगों का अगर ऐसे वीडियो बनानी हो साथ लोग एहतराज करें तो हम लोग उधर बैठ के बना सकते हैं बैकग्राउंड चेंज करके लेकिन खैर अच्छा वैसे भी मतलब ये कुछ नाम ऐसे हैं जैसे हमारा कैरी मिनाटी का हो गया आशीष चंचलानी का हो गया इनका नाम पढ़ते ही हमें पता होता है कि यार मतलब कुछ होना है कुछ होना लेकिन है। हम खुद वीडियो देखने में इतना गुम हो जाते हैं कि ये नहीं पता होता यार तो टाइम समझ नहीं आ रहा होता है वाकई क्या ना अभी इसी से निकल जाएगा कुछ ना कुछ ऐसे बैठ के निकल के आ ही जाता है पेरेंट पेरेंट टीचर मीटिंग का लिखा है मैंने कहा चलो पेरेंट आ गए अब तो कुछ होना है कि पता नहीं वो समझा रहा है सबसे अच्छा होता है वो समझा रहा है बाजा बज रहा है हर बार तो बाजा मैंने कहा वाकई ऐसा होता है आजकल आजकल के दौर में माँ बाप फिर सीधे हैं बनिस्बत बच्चों के माँ बाप फिर सीधे हैं आजकल की जनरेशन को अगर ले ले माँ बाप फिर सीधे हाँ तो मैंने पानी नहीं आ रही ये मतलब हर जगह का है बस हर जगह आप भी बता रहे थे ना आपके घर पानी नहीं आया दो हफ्ते से नहाए नहीं जानने वाले बता रहे बस दो हफ्ते से नहाए नहीं आपने बताया था ना उनका भी यही था उनके घर पानी नहीं आया पाउडर लगा के बैठे लेकिन चले क्या है ये इतना आसान है हमारा चलता रहेगा क्या ओ चलता रहेगा हाँ याद आ गया बहुत जल्द बहुत जल्द आने वाले हैं मुझे मुझे और अब्दुल बासित खान को इजाजत दीजिए बहुत जल्द फिर से नई वीडियो में मुलाकात होगी जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जो वीडियो आ रही आ